भारत में इन दिनों लव जिहाद के खिलाफ कानून सुर्खियों में छाया हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जहां इसके खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, वहीं उत्तर प्रदेश भी जल्द इसे लेकर कानून बनाने वाला है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा में भी कानून बनाए जाने की मांग उठ रही है। इसी बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट को ख़त्म कर देंगे आप, उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते, GDP ज़ीरो हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते। तो देश के नौजवान जो बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी BJP कर रही है। ओवैसी ने रविवार को कहा, इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। विशेष विवाह अधिनियम को तब खत्म कर दिया जाएगा। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। नफरत का ऐसा प्रचार काम नहीं करेगा। BJP युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। मसौदा का परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज भी दिया गया है। इसे अगले कैबिनेट में पेश किया जाना है। विभाग द्वारा तैयार मसौदे में इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपियों को 5 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए राज्य सरकार एक नया एक्ट, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 ला रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इस कानून के तहत लव जिहाद का ताजा मामला पकड़े जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे विवाह जो पहले हो चुके हैं, उन्हें रद्द करने का अधिकार फैमिली कोर्ट को ही दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी इस पर चर्चा करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। एक्ट में प्रलोभन, बलपूर्वक, धोखाधड़ी, बहकावे के जरिए शादी करने का भी उल्लेख होगा।